हेलो वेलकम टू एग्जाम्स प्रेप टारगेट चैनल ए चैनल डेडिकेटेड फॉर वेरियस एग्जाम्स प्रिपरेशन के वी एस डी वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट एंड इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का लेक्चर नंबर टेन लेके आए हैं जिसका नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स इससे पहले हमने रेजिस्टेंट सर्किट देखा था उसमें हम आर इक्वरेंट इक्वरेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था हमने हमने सीरीज सर्किट देखा था पैरेलल सर्किट देखा था और लास्ट ही लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी इक्वरेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था बट अगर कुछ क्वेश्चन में आप इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं कि ना सर्किट आपको सीरीज में लग रहा है ना सर्किट आपको पैरेलल में लग रहा है तो उनके लिए हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और उस सर्किट को रिड्यूस करेंगे ये सब टेक्निक्स जो है वो रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक्स है

और इसे थ्री से इसका डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मुझे करना है उसे उसे इसी तरह से अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस है टू और थ्री टर्मिनल में है, के बीच में है तो टू थ्री और अगर वन और थ्री के बीच में है तो आर वन थ्री कह सकती हूँ ठीक है जब भी हमें स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा आप डेल्टा फाइंड आउट करेंगे ठीक है आर वन आर टू आर थ्री आपको गिवन है आर वन टू आर टू थ्री और आर वन थ्री आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए पहले डेल्टा फाइंड आउट करेंगे डेल्टा क्या रहेगा आर वन इंटू आर टू दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करके वन का टू के साथ टू का थ्री के साथ थ्री का वन के साथ एक डेल्टा फाइंड आउट कर लिया देन अब, अब हमें ये फाइंड आउट रेजिस्टेंसेस करने हैं तो आर वन टू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो पहले न्यूमिनेटर में डेल्टा रहेगा और डिनोमिनेटर में एक रेजिस्टेंस रहेगा वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा देखिए वन आउट करना चाह रहे हैं तो डेल्टा रहेगा जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं अब ये आर टू थ्री है टू थ्री है तो टू आर थ्री के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस बच जाता है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो है आर वन तो वो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी तरह से अगर आप R2, आर वन थ्री फाइंड आउट करेंगे तो न्यूमिनेटर में डेल्टा रहेगा आर वन थ्री के साथ कौन सा रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आर तो ये मेथड आपका रहेगा स्टार्ट टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में ये स्टेप्स आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये फॉर्मुलस आपको याद होने चाहिए कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व करा एक मेथड बना लीजिए और ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में केवी में इस इसपे क्वेश्चन हर बार आ रहा है कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेशन ईजी है कई बार डिफिकल्ट कैलकुलेशन के साथ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैलकुल पार्ट पे भी अपना ध्यान रखेंगे रहे, और ये मैथड भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए फॉर्मुलेस आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए नेक्स्ट डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अगर सपोज ये वन टू और थ्री पॉइंट है यहाँ अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस आर वन है यहाँ रेजिस्टेंस आर टू है यहाँ रेजिस्टेंस आर थ्री है ये आपको गिवन थे और ये आर वन आर टू और आर थ्री आपको फाइंड आउट करने हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर वन की वैल्यू न्यूमिनेटर में जो रहेगा आर वन जिन दो के साथ कनेक्टेड है आर वन किस किस के साथ कनेक्टेड है आर वन टू के साथ और आर थ्री वन के साथ तो में रहेंगे उनका प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा इन डेल्टा कंफिग्रेशन वो क्या है आर वन टू है आर टू थ्री है और आर थ्री वन है उसी तरह से अगर हमें आर टू फाइंड आउट करना है R2 ये रेजिस्टेंस है R2 ये कौन से दो रेजिस्टें के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है R12 के साथ और R23 के साथ और डिनोमिनेटर में वही रहेगा उसे आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे स्टार्टिंग में ही और उस वैल्यू को आप R2 के डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे R3 क्या रहेगा R3 ये वैल्यू है दो कौन से रेजिस्टेंसेज हैं जिनके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R2, और और के साथ डिनोमिनेटर में वही सम रहेगा आपकी होगी डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं देखिए प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार फॉर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड इज सेम एज प्रीवियसली देखिए हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं सारे कंसेप्ट देख चुके हैं इंडक्टेंस और इम्पीडेंस अभी हम हमने देखना है बट अभी आप इतना समझने की कोशिश कर लीजिए कि अगर हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस की करी उसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए इंडक्टेंसिस की वैल्यू दे रखी है सपोज थ्री ओ थ्री हेनरी दे रखी है फोर हैंनरी फाइव हैंनरी कुछ इस तरह की थ्री वैल्यूज दे रखी है तो वही मैथड जो रेजिस्टेंस के लिए यूज करा वही आप इंडक्टेंस के लिए यूज करेंगे और वही आप इम्पीडेंस के लिए यूज करेंगे अभी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इंडक्टेंस क्या रहता है इम्पीडेंस क्या रहता है उसी तरह से प्रोसीजर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इधर फ्रॉम डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा फॉर कैपेसिटर कंडक्टेंस एंड एडमिटेंस इज सेम देखिए ये भी अभी हम टॉपिक्स करने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या रहता है इसके यूनिट्स क्या रहते हैं किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं कंडक्टेंस कंडक्टेंस हमें पता है क्या रहता है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ये हमें पता है एंड एडमिटेंस वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे अगर हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये तीनों की भी सेम है ये तीनों के भी एक ही मेथड रहेगा जिस तरह से रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और इम्पिडेंस का एक मेथड रहा था उसी तरह से कैपेसिटेंस कंडक्टेंस और एडमिटेंस का मेथड रहेगा बट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करा उसका इन्वर्स हो जाएगा अगर सपोज आप डेल्टा टू स्टार फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस का तो वो स्टार टू डेल्टा का जो मेथड है वो यूज करेंगे और अगर हम स्टार टू डेल्टा

तो आपको बिल्कुल ये स्टेटमेंट्स भी ध्यान होनी चाहिए और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही वाले हैं then, then, uh, कुछ और स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हम प्रूव करने की भी ट्राई करेंगे पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या स्टार टू डेल्टा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो भी डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग थ्री रेजिस्टेंसेज है उनकी वैल्यू थ्री टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी स ऑफ इक्वल वैल्यूज आर ट्रांसफॉर्म फ्राम डेल्टा टू स्टार अगर डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस स्टार uh, के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाई फैक्टर ऑफ थ्री अगर हम कैपेसिटेंस का केस ले रहे हैं यही कैपेसिटेंस का ले ले कंडक्टेंस का ले ले या एडमिटेंस का ले ले तो अपोजिट हो जाएगा अगर स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा वाई फैक्टर ऑफ थ्री और अगर डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा वाई फैक्टर ऑफ थ्री इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस के अलावा अगर इंडक्टेंस यहाँ दे रखा होता या इम्पिडेंस दे रखा होता तब भी अगर स्टार टू डेल्टा हम करते तो रेजिस्टेंस थ्री टाइम इंक्रीज होता इसी तरह से यहाँ पे भी अगर डेल्टा टू स्टार करते रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस या इम्पिडेंस होता तब भी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता बाई फैक्टर ऑफ थ्री उसी तरह से कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कंडक्टेंस और एडमिटेंस के लिए भी रहेगा तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अभी हम प्रूफ कर, करना चाहें प्रूफ करेंगे रेजिस्टेंस के केस के लिए और कैपेसिटेंस के केस के लिए तो चलिए देखते हैं सपोज थ्री रेजिस्टेंसेस हैं इक्वल है इक्वल रेजिस्टें की बात कर रहे हैं हम एक जनरल केस कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू है और और ये स्टार है इसका मुझे डेल्टा फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ रहेगा एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा इसे आर ए सपोज कर सकती हूँ इसे आर बी सपोज कर सकती हूँ इसे आर सी सपोज कर सकती हूँ किसी भी तरह से वन आर वन आर टू आर थ्री ले सकते हैं तो क्या रहेगा सबसे पहले अगर मुझे स्टार टू डेल्टा फाइंड आउट करना होता तो मैं मैथ मैं डेल्टा फाइंड आउट करती थी डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए दो का रहता था आर इंटू आर स्कू आर इन तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई थ्री आर स्क अगर मुझे आर ए फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या कहूंगी आर ए आउट कर रही हूँ तो दो रेजिस्टें के साथ ये कनेक्टेड है तो उस रेजिस्टें के अलावा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आर वो न्यूमिनेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में डेल्टा रहेगा डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है थ्री आर स्क्वेयर सॉरी सॉरी आर ए की वैल्यू क्या रहेगी डेल्टा अपॉन अपॉन रेजिस्टेंस जिनके साथ ये आर ए डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जो कि है आर ये क्या हो जाएगा थ्री आर स्क मीन्स आर ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री टाइम्स रेजिस्टेंस वैल्यू उसी तरह से अगर हम R, B की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें आर बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी डेल्टा दैट इज थ्री आर स्क्र अपॉन रेजिस्टेंस जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो आर बी की आर और आर के साथ कनेक्टेड है इस आर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ तो आपकी वैल्यू सेम है तो आपको और कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी बाकी बिल्कुल आप अच्छे से चेक करेंगे कि, कि इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इनके साथ नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी वैल्यू आ जाएगी थ्री आर इसी तरह से आर सी की वैल्यू भी अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप कहेंगे कि वो भी वैल्यू सेम ही आ गई है और ये क्या है थ्री टाइम्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो देखिए जब हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू थ्री टाइम्स हो जा रही है आप क्या कहेंगे कि आर ए आर बी कॉरस्पॉन्डिंग आर ए आर बी आर सी जो डेल्टा में रहेंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस दैट इज थ्री ओह उसी तरह से टू 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 होती तो टू इन थ्री आ जाता सिक्स होम ये वैल्यू रहेगी तो डायरेक्टली आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी अगर इक्वल वैल्यूज है तब ये रिजल्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में रह, रह, रहता है क्वेश्चन तो यही अगर इंडक्टेंसिस दे रखी होती तब भी यही मैथड रहता यही मैथड रहता और रेजिस्टेंस इसी तरह से थ्री टाइम्स सॉरी इंडक्टेंस थ्री टाइम्स हो जाता और अगर इंपिडेंसिस दे रखी होती तब भी सेम ही मैथड रहता देखिए अब सेकंड हम करना चाहते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सपोज यहाँ आर 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 की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ यह करनी है स्टार सपोज ये आर बी है ये आर सी है तो डेल्टा टू स्टार जब हम करते हैं तो हम क्या कहेंगे आर ए क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में वो दो रेजिस्टेंसेज जो जिनके साथ आर ए डायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या है आर इन टू आर दैट इज आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सम स तो जब हम डेल्टा टू स्टार कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ थ्री डिक्रीज हो जा रही है वन बाई थ्री हो जा रहा है तो देखिए अगर एग्जांपल लेके चले यहाँ वन यहाँ वन और यहां वन हो इसका कॉस्पॉन्डिंग स्टार आपको फाइंड आउट करना है तो वैल्यूज क्या रहेगी वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो यही आपका ट्रू रहेगा इंडक्टेंस के लिए भी और इम्पिडेंस के, के, के लिए भी तो बिल्कुल आपकी ये स्टेटमेंट प्रूफ गई कि व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टार टू डेल्टा आर इंक्रीज्ड थ्री टाइम्स

हम ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं पर मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो डेल्टा टू स्टार मेथड है तो देखिए डेल्टा टू स्टार स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं मेथड डेल्टा टू स्टार है डेल्टा टू स्टार में हम क्या करते हैं अगर सपोज ये सी 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 है ये सी ए है ये सी बी है ये सी सी है

इसी तरह से Cb की भी सेम ही वैल्यू रहेगी कैलकुलेट करके देखना Cc की भी सेम ही वैल्यू रहेगी जो कि आ रही है आपके पास थ्री देखिए जब हमने कैपेसिटेंस का केस लिया स्टार टू डेल्टा करना चाह रहे हैं मेथड डेल्टा टू स्टार वाला यूज करा और कैपेसिटेंस की वैल्यू देखी तो बाय फैक्टर ऑफ थ्री वो डिक्रीज हो जा रही है अगर हम डेल्टा टू स्टार लें Equal values of capacitance connected in delta configuration. star find out क्वल वैल्यूज ऑफ कैपेसिटन कनेक्टेड इन डेल्टा कंफ्यूगेशन सकते हैं method तो capacitance कैपेसिटेंस केस में स्टार टू डेल्टा वाला यूज करेंगे और स्टार टू डेल्टा में सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं वो क्या रहता है सी इन टू सी C square सी इन टू सी

का एक मैथड बनेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे तो इस केस में क्या हुआ हमने डेल्टा टू स्टार करा डेल्टा टू स्टार करा मैथड हमने स्टार टू डेल्टा यूज करा और आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी बाई ए फैक्टर ऑफ थ्री तो बिल्कुल ये जो भी आपने रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए थे ये प्रूव हो गए व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर ट्रांसफॉर्म कैपेसिटेंस आर डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डेल्टा टू स्टार कैपेसिटेंस आर इंक्रीज्ड 3 टाइम्स यही आपका ट्रू रहेगा कंडक्टेंस के लिए भी और एडमिटेंस के लिए भी आउट करनी है, कई बार में क्या रहता है? कि सपोज वो कह रहा है कि सिर्फ आर ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कई बार रहेगा की आर ए आरबीआरसी दोनों की फाइंड आउट कर दीजिए कई बार रहेगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज uh, कर दीजिए कई बार रहेगा उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इनक्रीज सॉरी अरेंज कर दीजिए तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहे हैं तो चलिए आर ए करेंगे मेथड बिल्कुल हमें ध्यान है खुद करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे खुद करने की कोशिश करेंगे देन देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे आप में कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का आर ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आर ए यहाँ रहेगा आर ए यहाँ आर बी रहेगा यहाँ आर सी रहेगा तो डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं तो क्या करेंगे आर ए ये है तो दो रेजिस्टेंसिस जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है सम प्लस प्लस दे रखा है देखिए कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू बताइए ये वैल्यू तो रहेगी ये वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी में यूज होने वाली है उसी तरह से बी फाइंड आउट कर लेंगे बी ये रेजिस्टेंस है दो तो रेजिस्टेंसेज जिनके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से हैं थर्टी और एट्टी अपॉन सम सम आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 130 आ रहा है उसी तरह से RC फाइंड आउट कर लेंगे RC ये रेजिस्टेंस है कौन से दो रेजिस्टेंस हैं जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 80 और 20 अपॉन सम देखिए कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे क्या वैल्यूज आ रही हैं आरए की वैल्यू है 4.61 आरबी की वैल्यू है 18.46 और आरसी की वैल्यू है 12.31 तो देखिए एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है जिसमें कैलकुलेशंस इजी है बट एक बार क्वेश्चन आया है जिसमें कैलकुलेशन टफ है तो अपना न्यूमेरिकल पार्ट भी बिल्कुल ध्यान से करिएगा और इस पे अपना स्पीड बढ़ाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डेल्टा इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट इस तरह से दे रखा है डेल्टा फाइंड आउट करना है तो डेल्टा के लिए पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं वो क्या रहता है 115 60 रहेगा इस केस में प्लस 60 इंटू वन रहेगा प्लस वन एट्टी इंटू वन फिफ्टी रहेगा ये देखिए वैल्यू क्या आती है फोर सिक्स एट जीरो जीरो वैल्यू रहेगी अब अगर आपको ZA ए फाइंड आउट करना है तो न्यूमिनेटर में क्या रहेगा डेल्टा अपॉन नीचे क्या रहेगा ये यहाँ रहेगा ZA दो रेजिस्टेंसेस ऐसा रेजिस्टेंस जो इन दोनों इस ZA के साथ कनेक्टेड नहीं है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी इस केस में 180 रहेगी उसी तरह से ZB फाइंड आउट कर सकते हैं दैट बी के, के केस में 150 रहेगा डिनोमिनेटर में और ZC के, के केस में 60 रहेगा तो देखिए वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए ZD की वैल्यू रहेगी 260 ओम ZB की रहेगी 312 ओम और ZC की रहेगी 780 का लीचे का कैलकुलेशंस कर लीजिएगा

अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस सिक्स इंटू वन अगर हम करें इसमें इंटू वन इंटू थ्री तो बैलेंस कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इस कंफ्यूगेशन में है तो आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आप उसे व्हील ब्रिज की कंडीशन चेक कीजिए हालांकि आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बट अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं व्हील ब्रिज की कंडीशन चेक कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो ये रेजिस्टेंस में हटा देती अगर मैं रेजिस्टेंस हटा देती तो आपका क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता बहुत बहुत ईजी हो जाता क्वेश्चन तो सबसे पहले आप व्हील ब्रिज की कंडीशन चेक करेंगे अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो रेजिस्टेंस मिडिल रेजिस्टेंस

तो देखिए हम इजिएस्ट मेथड लेके चलते हैं अगर इक्वल रेजिस्टेंसिस हमारे पास हैं तो हम पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इक्वल में हमें results, हमें हमने special case, हमने स्पेशल केस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे हम कहते थे अगर हम इक्वल रेजिस्टेंसिस हैं तो स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार करते थे तो या तो वन बाई थ्री हो जाता था या इन टू थ्री हो जाता था तो हम क्या करेंगे देखिए इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहेंगे ये स्टार है डेल्टा बनाएंगे तो देखिए किस तरह से रहेगा इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलेंगे

इस स्टार को मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया उसके अलावा से उन्हें लगा देंगे एक्यूरेट वैल्यू के साथ उनकी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे सिक्स ओहम और थ्री ओम ये सिक्स ओहम और ये थ्री ओम बिल्कुल इसी तरह से कनेक्टेड होगा यहां आपका पॉइंट ए रहेगा यहाँ बी रहेगा आपने स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर लिया और बिल्कुल आपने स्टार टू डेल्टा ये इसलिए कन्वर्ट करा यहां भी डेल्टा बन रहा था डेल्टा बन रहा था उसे स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट आपने स्टार टू डेल्टा इसलिए करा क्योंकि इक्वल वैल्यूज और आपको डायरेक्टली पता है कि आप उसे स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो थ्री इन टू आर कर देंगे तो देखिए ये थ्री है थ्री है इक्वल वैल्यू है थ्री पैरल में है थ्री बाई टू हो जाएगा ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी टर्मिनल है इसी तरह से इसे अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे आर वन इंटू आर टू आर वन प्लस आर टू देखिए क्या वैल्यू आती है ये वैल्यू रहेगी टू हूं और थ्री बाई टू आ रहा है इसकी वैल्यू रहेगी वन पॉइंट फाइव यहां वैल्यू थ्री है आपके पास ये दोनों अब आपके पास सीरीज में आ रहे हैं That means ये क्या रहेगा थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव अपॉन थ्री प्लस थ्री पॉइंट फाइव आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए कैलकुलेशन कीजिए बताइए वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स वन ओह रहेगा देखिए क्वेश्चन इजी था कुछ भी नहीं था पहले आपको अगर ब्रिज में लग रहा है आप कंडीशन चेक करेंगे कि वो हो रही है या नहीं अगर कंडीशन हो रही है सेटिस ब्रांच को हटा दीजिए नहीं हो रही है तो स्टार्ट टू डेल्टा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दैट मीन जिनमें इक्वल रेजिस्टेंसिस है उसे कन्वर्ट कीजिएगा बाकी आपके पास क्या बन रहा है बाकी तो आपको इजी है सॉल्व करना हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं

डेल्टा भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार टू डेल्टा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो देखिए करके देखिए कैसे हो सकता है देखिए टू ओम का रेजिस्टेंस यही है यहाँ टू ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ टू ओम का रेजिस्टेंस है इसका अगर आप डेल्टा कर दीजिए तो आप कर सकते हैं वो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी टू बाई सॉरी स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं दैट मीन्स टू इंटू थ्री हो जाएगी इस मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बिल्कुल बना देंगे कि किस तरह से वैल्यूज आएंगी या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है देखिए अगर इस रेजिस्टेंस ए बी ब्रांच को भूल जाइए तो अगर इतना कंसीडर करिए इतना

इस तरह का सर्किट बन रहा है ये पॉइंट ए बी यहां से आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है देन अगेन देखो ये दोनों सीरीज में है ये दोनों सीरीज में है क्या वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस सॉरी टू प्लस टू फोर और एक टू अब किस तरह से सॉल्व करेंगे फोर और फोर फोर और फोर सॉरी फोर और फोर आपके पास पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होगा वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस है इक्वल रेजिस्टेंसिस 2 2 इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अब आप बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो इक्विवेलेंट आपके पास वन वन हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले इस तरह के सर्किट बनते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ही चेक करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी रहें

Six. ये ये पॉइंट पॉइंट ए है है बी दोनों सीरीज में है ये दोनों सीरीज में है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आउट कर दीजिए देखिए क्या वैल्यू आती है वैल्यू रहेगी एट बाई थ्री ओह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एंड उचित उसी तरह का क्वेश्चन है बैलेंस्ड कंडीशन चेक करें तो थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री इंटू टू नहीं सेटिस्फाई हो रही मिडल ब्रांच को नहीं हटा सकते तो अब हम क्या करें अब हम स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे या तो आप इसे ये डेल्टा बन रहा है एक नीचे भी डेल्टा बन रहा है या तो इसे स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसे स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए अब देखिए अगेन हम चेक करेंगे क्या इक्वल वैल्यू तो नहीं है रेजिस्टेंसेज की अगर इक्वल वैल्यू है तो हमें डायरेक्टली पता है तो वो हम यूज कर लेंगे अगर इक्वल वैल्यू नहीं है तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं तो देखिए इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे किस तरह से रहेगा यहाँ आपके पास एक वन होम का रेजिस्टेंस है यहाँ आपके पास टू होम का रेजिस्टेंस है इससे अगर आपको स्टार बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे दैट मीन्स आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा और ये पॉइंट आपका ए ही है और ये आपका बी है आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे देखिए तो इन रेजिस्टेंसेस को किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे ये क्या है डेल्टा है उसे आप स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दैट मीन्स डेल्टा टू स्टार करते हैं इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो आर बाई थ्री हो जाता है बिल्कुल

और इसके साथ एक वन ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इस तरह से ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल बी है इसे कैलकुलेट कर लीजिए टू और थ्री सीरीज में है सॉरी पैरेलल में है और उनका कॉम्बिनेशन वन के साथ सीरीज में है तो देखिए क्या वैल्यू आती है वैल्यू रहेगी इलेवन बाई फाइव अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर 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 दीजिए अगर आपके आपके कुछ फ्रेंड्स इसी तरह तरह के पेपर की प्रेपर की प्रिपरेशन रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लाने वाले अब में हम टेप करेंगे। वो भी रिडक्शन रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक है यूज होने वाली है और भी क्वेश्चन करने वाले हैं डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा पे और भी क्वेश्चन करेंगे जब हम लेटेस्ट टेप नेटवर्क करेंगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू